This is Hasan Haider. I've been serving the hot chamber for around 5 years. Then I've been serving federal government for about 9-10 years, and then got private business on board. I'm basically motivational trainer, speaker, business consultant, coach. I've been consulting number of government and private sector organizations. Or purpose wahi hai ki hum log quality, productive culture leke aa sake wahan pe. मोटिवेशन के साथ साथ हम लोग हार्ड कोर स्किल्स भी इंट्रोड्यूस कर सकें, टूल ओरिएंटेड बना सकें, इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड कर सकें. दिस व्हाट आई एम डूइंग इट फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 20 इयर्स. और ऑफ कोर्स दिस इज़ पार्ट ऑफ माय कंट्रीब्यूशन टू दिस कंट्री, वेयर आई बीन कंडक्टिंग अराउंड ओवर 1300 प्लस वर्कशॉप्स. मैं पढ़ा चुका हूँ पाकिस्तान में 53 सिटीज़ के अंदर. आई बीन टू 20 प्लस कंट्रीज सो फार. आई बीन कंडक्टिंग सेशंस अब्रॉड. अब क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने बंद कर दिए, क्योंकि ज़्यादा फोकस मेरा कंसल्टिंग वर्क के ऊपर है. ट्रेनिंग को मैं बैक एंड पे लेके गया हूँ, फ्रंट एंड पे मैं कंसल्टिंग ले आया हूँ. उसकी रीज़न कि हमें इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा जोर देना है. खाली ट्रेनिंग 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 कैन नॉट गिव यू एनीथिंग. मोर फोकस इज आई गेट नॉर्मली एग्जाम्पल्स, जितनी भी मैं कोड कर रहा होता हूँ वो मेरी कंसल्टिंग की एग्जाम्पल होती हैं. सो कहते हैं ना, कंसल्टिंग सप्लीमेंट्स ट्रेनिंग. अगर मेरा कंसल्टिंग वर्क कंपनियों में नहीं होगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा, तो मैं खड़े होकर कभी भी किसी को नहीं पढ़ा सकता. एम आई राइट और रॉन्ग? इसकी मिसाल इस तरह ये, नो डाउट इट इज़ फॉर, अगर मैं उसकी बात करूँ ना, प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी सेकेंडरी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू गॉट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव. वो एडल्ट लर्निंग में नहीं आता. एडल्ट लर्निंग में ये आ रहे हैं, ये भी एडल्ट लर्निंग में नहीं, प्रोफेशनल एडल्ट लर्निंग नेक्स्ट फेज आपका आएगा. तो एडल्ट लर्निंग के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल पीपल होते हैं, जैसे आप ये प्रैक्टिकल बैठे हुए हैं, वो बिजनेस लुक आफ्टर कर रहे हैं. अब उनको बुकिश नॉलेज अगर देंगे तो डेफिनेटली वो कहेंगे यार ऐसे कीता सी, सुनिया भी सी, पढ़िया भी सी. हूँ जी कम अगे करने वाली गल करो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सो दिस इज हमारे लिए इसमें क्या है, वॉट बेनिफिट वी कैन, हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, हाउ वी कैन बी कंपेटिटिव टू कम्पीट अदर्स, हाउ वी कैन एक्सपेंड आवर बिजनेस, वॉट आर दी टैक्टिक्स कि जिसके अंदर हम आगे मल्टीप्लाई कर सकें. जो एडमिनिस्ट्रेशन में, हाउ वी कैन इंश्योर डिसिप्लिन, वो भी ये लुक आफ्टर करेंगे, डिसिप्लिन कैसे है कैसे नहीं है. एम आई राइट? और जो प्योर टीचिंग के अंदर है, डेफिनेटली वो स्किल देखेंगे, कैसे कम्युनिकेशन है, इन्वॉल्वमेंट कैसे है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे करना है, लोगों में एनर्जी कैसे, स्पार्क कैसे बिल्डअप करना है, ये वो सारी चीज़ें जो चीज़ें बहुत ज़रूरी. ये बंदा दरख्त काट रहा था, तो एक बंदा दूसरा इसके पास आया सुबह के वक्त, और उसने देखा कि दरख्त काट रहा है, और इसको देख के मुस्करा के चला गया. शाम को वो बंदा वापस आया, तो आके जो है उसने दोबारा देखा कि ये बंदा उसी तरह ही उसी तरह को काट रहा है. सरप्राइजिंगली उसने कहा, यार ये तो तुम सुबह भी यही दरख्त काट रहे थे, और रात को मैं पहुंचा हूँ शाम को 5 बजे, तुम अभी भी यही दरख्त काट रहे हो, क्यों नहीं कट रहा ये? बस यार काट तो रहा हूँ. अच्छा फिर क्यों नहीं, पता तो चले क्या मसला क्या है? कहता है, यार ये मुझे लगता है कि इसके जो ब्लेड है ना, जो आरी, वो तेज़ नहीं है. अच्छा तेज़ नहीं है तो तेज़ कर लो. कहता है, टाइम नहीं है. नो दिस इज एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन आवर लाइव्स. हम लोग जब लर्निंग की बात करते हैं, हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, हम कुछ टूल्स अप्लाई करने की इंडस्ट्री के अंदर बात करते हैं, हम अपग्रेड करने की बात करते हैं, अपनी लर्निंग स्किल्स को और कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने की बात करते हैं, तो आगे से कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वी आर टू बिजी. अच्छा यही हाल बच्चों का भी, आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं ना, उनसे अच्छी पढ़ी लिखी बातें करना शुरू कर दें, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पहले से ही पता है. वी आर नॉट विलिंग टू शार्पन दी स्किल्स. अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट क्या हो रहा है, विन विन सिचुएशन नहीं होगी, वी विल बी लूजिंग एवरीथिंग. एम आई राइट? नाउ दिस इज द टाइम कि हम लोग अपनी स्किल्स को शार्पन करें. दिस इज द टाइम हम अपने नो हाउ के अंदर ऐसी नॉलेज बिल्ड इन करें कि अगले बंदे को बेनिफिट्स दिया जा सके. दिस इज द टाइम हम ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स बिजनेस के अंदर एम्बेड करें कि बिजनेस ग्रोथ कर सके. एम आई राइट और रॉन्ग? बिजनेस ग्रो करेगा तो फिर है. अगर हम कह देंगे टाइम नहीं है, तो फिर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते. चाइना की अगर बात करें, तो चाइना, व्हाई दे आर कैप्चरिंग द वर्ल्ड,
they have captured the business of the world. Institution-wise growth badhti chali ja rahi hai. India le lein, aaj agar job employment ki baat karein, to bahar ke mulk mein sabse zyada employed log kaun se demanded hote hain? Indians. Pakistani hamare kahan pe reh gaye? Bangladeshi aage chale gaye, Vietnam aage chala gaya. Even Sri Lanka badhta chala ja raha hai. Why? Because they are more skilled. वो अपनी स्किल्स को शार्पन करके लेके जाते हैं. पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, और उसकी ना होने की सबसे बड़ी वजह है कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो कंटेंट डेवलपमेंट का है, करिकुलम डेवलपमेंट का है. एम आई राइट? हमारा करिकुलम आज यूईटी का उठा लें, 1960-72-73 का चल रहा है. आप बोर्ड ऑफ एजुकेशन का उठा लें, उसके अंदर भी यही हालात हैं. पंजाब टेक्स बोर्ड का उठा लें, उसके अंदर भी ये हालात है. व्हाट वैल्यू एडिशन वी आर चिपिंग इन. एक कायदा हम बच्चे को पढ़ाते हैं ना, वही कायदा पूरा साल चलता है. एम राइट और रॉन्ग? और वो इतना अच्छा, उसके ऊपर ऊपर बर्डन डालते हैं. अच्छा, वो किताबें पढ़ नहीं रहा होता सारा दिन. अच्छा, रट्टा भी होता है और वो पढ़ भी नहीं रहा होता, और सारी किताबें उसके अंदर लोडेड होती हैं और वजन ऊपर जा रहा होता है, ऐसे करके आ रहा होता. और फिर बच्चों को माँ बाप जब उसके कहते ना, बहुत वजन है बेचारे बच्चे के ऊपर, बहुत पढ़ाई करता है, ये तो स्कूल वालों ने मत मार दी है. अच्छा, वो भी मासूम बन जाता है, बहुत मत मारी हुई है, चाहे क्लास एक भी ना होती हो. लुक एट वॉट वी आर डूइंग, वॉट वी आर एम्बेडिंग. सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हम लोगों ने अपने आप को धोखा देना शुरू किया हुआ, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो फिर आपका कॉलेज हो, जब कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी हो. एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स दे रहे हैं, फिर आगे जो टीचर्स हैं वो अल्लाह हू अकबर है, वो अपने शार्पन स्किल्स वाली बात नहीं कर रहे. उसके लिए ये ग्रूमिंग, लर्निंग, वैल्यू एडिशन होना. लेट मी गोट एग्जाम्पल. आई वॉज इन सिंगापुर 2002 के अंदर, वहाँ पे इनोवेशन क्वालिटी सर्कल्स के ऊपर मैं कोर्स करने गया. IQC के नाम से था, वो एक टूल है ये प्रोडक्टिविटी का, IQC उसे कहते हैं. 2002 की बात बता रहा हूँ, यू कैन वेल इमेजिन 16 साल पुरानी बात है. अच्छा, वो मुझे स्कूल में लेके गए, और वहाँ पे उस स्कूल के अंदर इनोवेशन लैब थी. मैं कहा यार, ये इनोवेशन लैब क्या चीज़ होती है भाई? मैंने तो पहली दफ़ा सुनी, हमारे तो स्कूलों में तो रिवाज ही नहीं कोई इनोवेशन लैब वगैरह का. अच्छा, उस लैब के अंदर जब गए तो क्या जी के इंजीनियरिंग के टूल्स, गाड़ी के डिसमेंटल करके, मोटरसाइकिल को डिसमेंटल करके रखा हुआ है. अच्छा, अगले सेक्शन में क्या है जी? अगले सेक्शन में आर्ट्स की चीज़ें रखी हुई हैं. उससे अगले सेक्शन में क्या है जी? कलर स्कीमिंग का कोई सिस्टम रखा हुआ है. उससे अगले इस तरह उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ बेस्ड. और क्या होता है, स्टूडेंट अपने बच्चे अपनी मर्जी से उस सेक्शंस में जाते हैं, और जाके वहाँ पर क्या करते हैं? असेंबल करते हैं, जिनका जो इंटरेस्ट है. कोई स्टेयरिंग से कोई चीज़ बना के लेके आ रहा है, कोई गाड़ी बना के लेके निकल रहा है बाहर. नाउ दिस इज देयर एक्टिविटी विच इज बिल्डिंग देयर माइंड राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड. क्या वो क्रिएटिविटी इनोवेशन में काम आगे बढ़ेंगे वो लोग के नहीं? एंड दिस इज द डिफरेंस इन आवर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान. हमारे पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं है. They are sharpening the skills. वो जो मैंने अभी तस्वीर दिखाई, they are sharpening the skills of every kid, और उसके मुताबिक चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं. This is what the win-win situation they have. पाकिस्तान में कोई स्कूल ऐसा है जो इनोवेशन लैब बना के रखा हो किसी ने? हमारी जो लेबॉरेटरी होती है उसमें भी दो नंबरी की बातें हो रही होती हैं, प्रैक्टिकल में भी दो नंबरी की बातें हो रही होती हैं. नंबर कैसे लगाने इसके ऊपर बातें हो रही होती हैं. कैन वी लिव विद इट? आज अगर मैं 70 साल पहले की बात करूं या 60 साल पहले की बात करूं, तो वी यूज टू कॉल आर सेल्फ एशियन टाइगर्स. हमारे यहाँ पे लोग सीख के जाके आगे जाके रेप्लिकेट करते थे. इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पे सीख के जाते थे. बल्कि पटैक की मैं बात करूं तो एक अदारा यहाँ पे टेक्निकल पटैक के नाम से, और वहाँ पर यह था कि कोरियंस आते थे, आके फीडबैक लेके जाते थे. आज कोरिया को देख लें और पाकिस्तान को देख लें. Are we deteriorating? और value add कर रहे हैं हम लोग? Result देख ले, हमारी universities की top 100 के अंदर कोई university अभी नहीं आई पाकिस्तान के अंदर. कोई है? मुझे बताएं कोई आई हो top 100 के अंदर नाम?
दुनिया की टॉप मोस्ट 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का नाम हो 70 सालों में, क्यों नहीं है? एनी वन थॉट अबाउट इट? मेरे लिए सारी चीज़ें लम्हा फिक्री हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का रोल प्ले करना पड़ेगा, हमको इनिशिएटिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग लेने पड़ेंगे। आज अगर हमने फ्यूचर वर्कफोर्स के बारे में ना सोचा तो जितने भी लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स और ये जो लोग ट्रेनर्स, फ्यूचर ट्रेनर्स हैं TOT के जितने भी हैं, ये हम लोग अभी वी आर गोइंग टू रूइन आवर कंट्री, लेट मी टेल यू दैट। अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो वो भी कम हो गई हुई है यहाँ पे, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई होता चला जा रहा है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि वो स्पार्क, वो स्पिरिट ही नहीं है। एक बच्चा जब ग्रेजुएट होता है ना तो उसके ऊपर सिर्फ ये दो चीज़ें दिमाग में होती हैं, यू नो वॉट आर दी टू थिंग्स दे हैव इन देयर माइंड। एक, या तो मुझे पक्की नौकरी मिल जाए, पक्की नौकरी मिले, प्राइवेट नहीं, पक्की नौकरी मिले, ऐसी हो जो LP से लगी हो, ठीक है ना, कोई बंदा हिला ही ना सके। हाँ वो, और दूसरा, या मुझे बाहर भिजवा दे, शॉर्टकट्स, ओवरनाइट रिच बनेंगे जी, बाहर चला जाऊंगा, फलाने का गया हुआ है, फलाने का बंदा गया हुआ है। डू यू फील इट्स वर्केबल? ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन आई कम बैक फ्रॉम जापान टू पाकिस्तान, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता। 30-40 डेज मैं खामोश रहता हूँ। लोग पूछते हैं क्यों भाई खामोश क्यों रहते हैं यार, कि यार हम कम से कम 50-70 साल, 100 साल पीछे हैं यार। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज वॉट एग्जैक्टली हैपन्स। आई बीन विजिटिंग देयर यूनिवर्सिटीज, मैं गया वहाँ पे, टोक्यो यूनिवर्सिटी गया, आई विजिटेड देयर, तो वहाँ पर ना रिसर्च हो रही थी। अब वहाँ की रिसर्च देखें और यहाँ पर रिसर्च देखें, हमारी यहाँ पर रिसर्च क्या होती है, कोई MS का थीसिस अगर कर रहा होता ना तो सीनियर का पूछता है, वो तू सीनियर है और 10 वो केड़ा सीखता, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट केड़ा सी, FIP 10 मैनू केड़ा सी, अच्छा ठीक है यार, तेरा सी है, भी मेरा ही है, हूँ सड़ दे मैनू दे दे। साथ ही वो मंगवाता है, फाइंड एंड रिप्लेस करता है, थोड़ी सी एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, कर करा के वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। एम राइट और रॉन्ग? अब हाँ, एक और चक्कर भी स्टार्ट हो गया भाई, यहाँ पे एक और टेक्नोलॉजी ये आ गई है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के जी, वो दूसरे लोग कर लेते हैं, आपका थीसिस तैयार हो जाएगा, ठीक है, वो थीसिस तैयार करके आपको दे देते हैं। अच्छा, मैं वहाँ पे गया तो डिफरेंट उनके इनक्यूबेशन सेल्स बने हुए थे, एंड इट वाज टोटली फंडेड बाय कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर। और वो जो MS कर रहा था लड़का, वो बेसिकली इंजीनियर था बाय प्रोफेशन, एंड ही वॉज सलाइवा, जो होता है ना सलाइवा, उसके ऊपर रिसर्च हो रही थी। अब क्या था, वो डिवाइस डिज़ाइन कर रहा था, वो डिवाइस डिज़ाइन कर रहा था कि बजाय इसके कि हम ब्लड सैंपल्स लें, यूरिन सैंपल्स लें, चीज़ें लें, स्टूल टेस्ट लें, हम सलाइवे से सारे टेस्ट बनाएंगे। वी आर गोइंग टू मेक दैट काइंड ऑफ इक्विपमेंट के बंदा अपना सलाइवा देगा और हमारे सारे टेस्ट के रिजल्ट्स आ देंगे। नाउ दिस वॉज हिज MS प्रोजेक्ट डूइंग इन टोक्यो यूनिवर्सिटी। नाउ यू कैन वेल इमेजिन कि हम कहाँ खड़े में, यहाँ पे डिमांड ड्रिवन रिसर्च का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। सो वॉट वी हैव इन आर कंट्री इज कि हम लोग कभी भी इनोवेटर्स नहीं बनते, जो आपने बात की, हम लोग क्रिएटिविटी की तरफ नहीं आते, न्यू मेथड ऑफ लर्निंग, न्यू मेथड ऑफ टीचिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल्स को अडॉप्ट नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से हम बच्चों का भी फ्यूचर खराब करते चले जा रहे हैं और अपना भी फ्यूचर खराब होता चला जा रहा है। हाँ, तनख्वाह लगी हुई है, यू गेट यू पेड, वो कहते हैं ना खसारे में वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं, हज़रत अली का कॉल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, खसारे में वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। अब आप खुद सोचें, डेली आए उसी तरह ही पढ़ाया, पढ़ाया और चले गए, फिर आए फिर उसी तरह ही पढ़ाया चले गए, अगले दिन आए फिर उसी तरह ही पढ़ाया चले गए, व्हाट इनोवेशन यू आर ब्रिंगिंग इन योर लाइफ? हाँ, लेकिन अब अगर आपकी बात बड़ी जबरदस्त है, अगर मैं कहूँ ये सैलरी है, ये सैलरी आपकी थोड़ी सी इंक्रीमेंट लग जाता है, और ये महंगाई है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, इंक्रीमेंट थोड़ी सी बढ़ती है, फिर उसके बाद फिर महंगाई तेजी से बढ़ती है, इन्फ्लेशन रेट, और सैलरी थोड़ी सी इंक्रीमेंट लग जाती है, ये जो खसारा है ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है?
تو جو میں نے پڑھی حضرت علی کا جو کال ہے, خسارے میں وہ شخص جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے, تو یہ خسارے میں وہ شخص جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں, تو آپ خود سوچیں نقصان میں تو آپ لوگ ہیں. اب یہ جو خسارہ ہے, یہ خسارہ کس طرح کم ہو سکتا ہے؟ جب آپ اس بلیڈ کو شارپ کریں گے, اس بلیڈ کو شارپ کر لیں, خسارہ آپ کا دور ہونا شروع ہو جائے گا. شارپ کیسے کرنا ہے؟ انٹلیکچوئل سکلز کو اپ گریڈ کریں, ٹھیک ہے, اپنی کمپٹنسیز کو اپ گریڈ کریں, کرنا چاہیے کہ نہیں؟ پھر نو ہاؤ, ویلیوڈیشن, اپنی زندگی کے اندر ویلیوڈیشن کیسے کرنی ہے؟ ایوری ٹائم وین یو انٹر انٹو یور پروفیشن اور ان یور کلاس, وہاں پہ کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ ویلیوڈیشن کرنی پڑے گی. یو ٹو کیپ آن تھنکنگ, یار میں نے بہتری کیسے لے کے آنی ہے؟ کل جو میں نے پڑھایا تھا یا کل جس طرح پڑھایا تھا اس طرح نئے طریقے سے آج میں پڑھاؤں گا یا پڑھاؤں گی.